फाइबर और कैल्शियम से भरपूर ये मखाने से आपने कई तरीके की डिशेस बनाई होंगी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मखाने और थोड़ी सी मूंगफली से एकदम स्वादिष्ट, डिलीशियस और बहुत बहुत हेल्दी से ये हलवे की रेसिपी। एक बार आप इस रेसिपी को बना कर देखिए, आपको एक अलग ही लेवल का टेस्ट मिलेगा। ये बहुत ही दानेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम माउथ मेल्टिंग है। देखिए इसका टेक्स्चर कितना डिलीशियस लग रहा है, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लास सारिका, और मैं हूँ सारिका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिए है 2 कप के आसपास मखाने, और ये सबके घर में अवेलेबल होते हैं। आप यहाँ पर इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें लेना है 1/2 कप के आसपास मूँगफली के दाने। ये कच्चे दाने हैं, इसको हम थोड़ा सा पानी में सोक करने के लिए रख देंगे, ताकि जो मूंगफली के दाने हैं अच्छी तरीके से फूल कर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। आप चाहें तो इनको भून करके भी ले सकते हैं, अगर आप इनको भिगोना भूल गए हैं तो थोड़ी देर चाहें तो गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं, या फिर भून के भी ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने पहले से ही इसको 3-4 घंटे के लिए भिगो कर ले लिया था, वैसे ही 1/2 घंटे में भी सॉफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर आप चाहें तो इसके छिलके भी हटा सकते हैं। ये जब अच्छे तरीके से फूल जाते हैं ना, तो देखिए इसके छिलके आसानी से निकलने लगते हैं, तभी समझिए कि आपकी जो मूंगफली है वो तैयार है। तो हम यहाँ पर इसके छिलके नहीं निकालेंगे, इसको छिलके के साथ ही डाल देंगे एक मिक्सी के जार के अंदर, और पानी वगैरह हमें यूज़ नहीं करना है। इसको बिना पानी का हमें कोर्सली ग्राइंड करना है। तो ये देखिए, मूंगफली को मैंने कोर्सली ग्राइंड कर लिया है, पानी नहीं डाला था इसको पीसने में। अगर आप पानी डाल देंगे ना, तो इसको कुक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको इस तरीके से कोर्सली ग्राइंड करेंगे। छिलके आप चाहे तो हटा सकते हैं, वैसे छिलके के साथ ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनते हैं। इसको भी साइड में रखेंगे। और चलिए, अब हमने जो फॉक्सनट यानी कि मखाने लिए थे 2 कप, इसको हमें तवे पर डालकर ड्राई रोस्ट करना होगा। थोड़ा सा आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, लेकिन भूनते समय ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हमें मखाने को हल्का सा क्रिस्प करना है। तो देख सकते हैं मखानों का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, और इस तरीके से अगर आप हाथों में दबाएँ तो ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं, मतलब अच्छी तरीके से क्रिस्प हो गए हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जैसे ही मखाने ठंडे हो जाते हैं, हम एक साफ़ और सूखा मिक्सी का जार लेंगे और इसमें सारे मखाने ऐड कर लेंगे, और इसे हमें थोड़ा सा पीसना होगा। कोर्सली हम इसको पीस लेते हैं, ताकि इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं और थोड़ा सा बारीक सा हो जाए। और ये लीजिए, मखाने मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया है। देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे चंक्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से ये मिक्स हो जाता है हलवे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ये मखाने इस रेसिपी में एकदम खास काम करते हैं। तो मखाने के फ़ायदे तो आपको पता ही है कि इतने ज़्यादा फायदे हैं कि आप गिनते बैठोगे तो थक जाओगे। चलिए अब इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये कुक करके चाशनी नहीं बनाऊंगी। 1 कप के आसपास मैंने गुड़ लिया है, जिसको इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, और ये गुड़ को एक अलग बोल में डालकर थोड़ा सा पानी डालेंगे 1/4 कप के आसपास। और अब गुड़ को अच्छी तरीके से घुलने तक हमें इसको इस तरीके से पानी में छोड़ देना है, ताकि अच्छी तरीके से घुल जाए और एकदम पानी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, उनकी गुठलियाँ ना रहें। तो देखिए, थोड़ी देर के बाद जो गुड़ है वो अच्छी तरीके से पानी में मिक्स हो चुका है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप चाहें तो गुड़ के बजाय चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गुड़ से आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और चलिए अब हम हलवे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक भारी तली का पैन रख दिया है, इसमें हम डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून देसी घी। आप चाहें तो घी की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा घी में बनाएंगे, जो सर्दियों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ हमें लेना है सूजी, तो मैंने ये बारीक वाली सूजी ली है, आप कोई से भी ले सकते हैं, मोटी वाली भी। तो ये लगभग 3 टेबलस्पून मैंने ली है, इसको हम घी में ज़रूर डालेंगे, क्योंकि इससे हलवे में बहुत ही दानेदार सा टेक्स्चर आता है और स्वाद भी इन्हेंस होता है। तो आप चाहें तो यहाँ पर सूजी के बजाय बेसन भी ले सकते हैं, या फिर दोनों का इस्तेमाल आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। सूजी को हम घी में डालकर अच्छी तरीके से भूनेंगे, जब तक कि अच्छे तरीके से एकदम फूल कर तैयार ना हो जाए, क्योंकि सूजी को भूनना और फुलाना बहुत ज़रूरी होता है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सूजी हमारी भुनकर तैयार हो गई है, और मैंने इसको धीमी आंच पर भुना, जिससे कि इनका कलर डार्क नहीं हुआ है। अब इसी मिक्सचर के साथ हम डालेंगे ये हमारे पीनट, जिसको हमने पीस कर लिया था ना, घी के साथ ही हमें भुनना होगा, क्योंकि ये मूंगफली थोड़ी सी कच्ची है, हमने इसको भिगो कर लिया था, तो घी में इसको बहुत ही ज़रूरी है भुनना। अगर आप भुनी हुई मूंगफली ले रहे हैं पीस करके, तो थोड़ा सा आपको टेस्ट चेंज मिलेगा, बाकी कोई और डिफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन बेटर रिजल्ट आपको ये भिगोई हुई और पिसी हुई मूंगफली से ही आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसको भुनेंगे, जब तक ये कच्चा है ना मूंगफली, थोड़ा सा पैन में चिपकता है। तो मैं आपको ज़रूर से कहूँगी कि आप यहाँ पर नॉनस्टिक बर्तन का यूज़ करें, नहीं तो जो मूंगफली के दाने हैं ना, वो अच्छी तरीके से चिपकने लगते हैं अच्छी खासी मात्रा में। जब तक ये कच्चे हैं, बस इस उतने ही देर तक, जैसे ही भुन जाएंगे पैन को खुद ब खुद छोड़ देंगे इसको ज़्यादा पकाने की या फिर ज़्यादा
इस तरीके से खुरचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसको हम थोड़ी देर भून लेते हैं, 1 से 2 मिनट बस लो फ्लेम पे हम इनको भूनेंगे और आप देखेंगे इसका कलर हल्का सा गोल्डन हो गया है। और थोड़ी देर में ही देखिए इसने पैन को भी इस तरीके से छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब ये बिल्कुल नहीं चिपकेंगे क्योंकि ये अच्छी तरीके से भूनकर तैयार हो गए हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैंने लो टू मीडियम फ्लेम रखा था ताकि जो मूंगफली का टेस्ट टेक्सचर है वो ज़्यादा डार्क ना हो जाए, थोड़ा सा गोल्डन ही रहे। अब ये बढ़िया से भुन गए हैं तो अब इसमें हम डाल देंगे पिसी हुई ये मखाने जिसको हमने इस तरीके से पाउडर बना कर लिया था, और इसे भी हम इस मिक्सर के साथ अच्छी तरीके से मिला लेंगे। सर्दियों में मखाने की बहुत सारी डिशेस बनाई जाती है क्योंकि मखाना जो होता है ना वो फाइबर इसमें बहुत भरपूर मात्रा में होता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है तुरंत से तुरंत, और आप हमारी जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है, मतलब कैल्शियम से भरपूर होता है तो हड्डियाँ भी हेल्दी रहती हैं। मिक्सर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर लिया है मैंने दूध लगभग 1 कप के आसपास। आप यहाँ पर दूध नहीं डालना चाहते हैं तो मिल्क पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं, और दूध को डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो टोंड मिल्क भी ले सकते हैं या फिर मलाई वाली भी, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट के लिए आप मलाई वाली दूध लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एकदम हलवे का टेक्सचर एकदम मावे वाला आएगा। अच्छी तरीके से इसको मिला लेंगे जब तक एकदम ड्राई ना हो जाए और जो हलवा का टेक्सचर है वो घी ना छोड़ने लगे। तब तक हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही, लगातार चलाते रहे ताकि जले नहीं। थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं मिक्सचर घी छोड़ने लगा है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, देख रहे हैं। दूध अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है और मिक्सचर भी एकदम सॉफ्ट सा हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे गुड़ वाली चाशनी जो हमने भिगो करके रखी थी गुड़, देखिए। तो इसको डायरेक्ट हम नहीं डालेंगे, अच्छी तरीके से छान लेंगे क्योंकि गुड़ के कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं जो हलवे में जाकर घुलते नहीं और गांठें बन जाती हैं, तो इसलिए इसको छानना बहुत ज़रूरी है। ये देखें, इसको साइड में रखते हैं और अब इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इस पूरे हलवे वाले टेक्सचर से बर्फ़ी भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको गुड़ थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा और इस हलवे वाले टेक्सचर को थोड़ा और पकाना पड़ेगा जब तक कि जमने ना लगे। तो इसको अब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए गुड़ डालते ही इसका टेक्सचर कितना डिलीशियस हो गया है और कलर भी चेंज हो गया है, ये देखें। चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं जब तक कि एकदम बढ़िया से जो गुड़ है वो पक ना जाए। और ये देखिए 2-3 मिनट के बाद गुड़ अच्छी तरीके से इस हलवे में घुल मिल गया है, देख रहे हैं, और घी भी साइड साइड से छोड़ने लगा है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है हलवे की कुक होने की, एकदम बढ़िया से तैयार होने लगा है लगभग। तो चलिए अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। यहाँ पर आप बिना ड्राई फ्रूट भी बना सकते हैं या फिर इसमें आप थोड़े से कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। हम यहाँ पर कंडेंस मिल्क नहीं डालेंगे, चलिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम चॉप करके ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून किशमिश ली थी जिसको इस तरीके से काट कर लिया है, आप साबुत भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून पिस्ता की कतरन और थोड़ी से मैंने आमंड्स लिए हैं, इसको भी इस तरीके से चॉप कर लिया है। 2 से 3 इलायची के दाने जिसको हल्का सा कूट कर लिया है। आप यहाँ पर केसर का भी यूज़ कर सकते हैं या फ्लेवर के लिए जो भी आपको पसंद आए वो आप यूज़ कर सकते हैं इलायची की जगह पर। सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और चलिए अब चलते हैं हलवे को सर्व करने के प्रोसेस पे। और ये लीजिए स्वाद और सेहत से भरपूर हमारा ये बहुत ही स्वादिष्ट सा हलवा तैयार है। इसको हम थोड़ी सी चॉप किए हुए पिस्ता और आलमंड्स की कतरन से इस तरीके से गार्निश करेंगे और देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना दानेदार और कितना ज़्यादा डिलीशियस है। एक बार आप इसको ज़रूर बनाइए, ये देखना आपको कितना ज़्यादा स्वादिष्ट तो लगेगा ही, साथ में इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। कैल्शियम और फाइबर से भरपूर है तो आपके डाइजेशन और हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना, देखना आप एक बार खाएंगे ना तो बार बार मुझे याद करेंगे और इसे बार बार बनाना भी चाहेंगे। हलवे की और भी नई नई रेसिपीज़ के लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, जाकर ज़रूर से देखिए। ये रेसिपी कैसी लगी वो भी हमें लिख के बताइएगा। अगर पसंद आई तो अपने ढेर सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपके पास हर दिन एक नई रेसिपी के नोटिफिकेशन आते रहेंगे वो भी फ्री में। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए एंजॉय कीजिए, कल फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।